छत्तीसगढ़ सीमा से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थानीय पुलिस और कमांडो के साथ बुधवार को ही मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए थे। मुठभेड़ करीब 6 घंटे चली, जिसमें शीर्ष नक्सल कमांडर डीवीसीएम लक्ष्मण अतराम, जिसे विशाल अतराम के नाम से भी जाना जाता था, वो भी मारा गया। मारे गए नक्सलियों से AK-47 सहित कई हथियार बरामद हुए हैं। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी और एक जवान भी घायल हुआ है। अभियान में कम से कम 12 नक्सली मारे गए। इस दौरान 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक निलोपतर ने बताया कि दोपहर C-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच वंडोली गांव में भारी गोलीबारी हुई। मुठभेड़ करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों से कई हथियार भी बरामद हुए। एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि नक्सलियों पर एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गढ़चिरौली में 12 नक्सली मारे गए हैं। हमारे किसी भी जवान को कोई क्षति नहीं पहुंची है, उनको चोट आई है, परंतु वो इसमें खतरे से बाहर है। दूसरी एक घटना हो गई बीजापुर जिले में तर्रेम के पास में, जिसमें हमारे एसटीएफ के 2 जवान कमांड आईडी के ब्लास्ट से शहीद हो गए हैं। शहीद भरत साहू जी, जो रेसिडेंट रायपुर के निवासी हैं, और शहीद सत्येंद्र सिंह जो नारायणपुर के निवासी हैं। इसके साथ साथ 4 जवान घायल हुए हैं, परंतु घायल जवान सभी खतरे से बाहर हैं। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन नेतृत्व बड़ा है, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, और मैं वो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये सारी घटनाएं शीघ्र बंद होंगी और समूचे बस्तर में शांति। अब किस तरीके से कल हमारे C-60 के दस्ते के साथ गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे जो मुठभेड़ हुई है, उसमें 12 नक्सलवादियों की मृतदेह हमें मिली है। भारी मात्रा में दारूगोड़ा और हथियार भी हमने जब्त किया है। अभी भी उस एरिया में सर्च अभियान शुरू है और इसके बारे में सविस्तार जानकारी हम आज पत्रकार परिषद लेने वाले हैं, उसमें हम आपको देने वाले हैं। और हमारे जो 2-1 अधिकारी और 2 जवान हमारे ऐसे गोली लगने से जख्मी हुए थे, उनके ऊपर नागपुर में और गढ़चिरौली में उपचार शुरू है और वो अभी खतरे से बाहर। 7 ऑटोमेटिक वेपन और 4 दूसरे हथियार हमने जब्त किए हैं। 7 ऑटोमेटिक वेपन में 3 AK-47 और बाकी हथियार और भारी मात्रा में नक्सल साहित्य भी हमने जब्त किया है। इन सब की सविस्तार जैसे ही अभियान और सर्च मुहिम खत्म होती है, उसके बाद हम इसकी सविस्तार पत्रकार परिषद में जानकारी देंगे। टीपागढ़ दलम एक बहुत चुनौती थी पुलिस के सामने, उसे खत्म करना, उसकी कुछ काडर्स के मरने की पुष्टि हुई है और बाकी जो मृतदेह है उसकी शिनाख्त की कार्रवाई अभी चल रही है। थोड़ी देर में इसके बारे में सविस्तार सरकार ने घोषणा